प्रश्न नंबर एक, पहले राष्ट्रीय मंडल खेल किस देश में हुए थे? पहले राष्ट्रीय मंडल खेल किस देश में हुए थे? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कनाडा। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर दो, शतरंज का खेल कहाँ शुरू हुआ था? शतरंज का खेल कहाँ शुरू हुआ था? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी पर्सिया में, ऑप्शन सी अरब में, ऑप्शन डी यूरोप में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत में। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर तीन, सेरेना विलियम्स शीर्ष स्तर की महिला खिलाड़ी हैं। सेरेना विलियम्स शीर्ष स्तर की महिला खिलाड़ी हैं। ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी शूटिंग में, ऑप्शन सी टेनिस में, ऑप्शन डी शतरंज में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टेनिस में। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर चार, कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट घास के कोर्ट में खेला जाता है? कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट घास के कोर्ट में खेला जाता है? ऑप्शन ए फ्रेंच ओपन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलियाई ओपन, ऑप्शन सी विंबलडन, ऑप्शन डी यूएस ओपन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विंबलडन। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर पाँच, राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है? राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी गोल्फ, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी क्रिकेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोल्फ। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर छः, थॉमस कप किससे संबंधित है? थॉमस कप किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी बास्केटबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी टेनिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बैडमिंटन। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर सात, ले अप शॉट शब्द किस खेल से जुड़े हैं? ले अप शॉट किस खेल से जुड़े हैं? ऑप्शन ए वॉलीबॉल, ऑप्शन बी थ्रो बॉल, ऑप्शन सी बास्केटबॉल, ऑप्शन डी हैंडबॉल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बास्केटबॉल। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर आठ, सीमा अंतिल का नाम किस खेल से जुड़ा है? सीमा अंतिल का नाम किस खेल से जुड़ा है? ऑप्शन ए चक्का फेंक, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी शतरंज, ऑप्शन डी टेनिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चक्का फेंक। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर नौ, सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी बास्केटबॉल, ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फुटबॉल। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर दस, वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कुश्ती, ऑप्शन बी मुक्केबाजी, ऑप्शन सी भारोत्तोलन, ऑप्शन डी कबड्डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारोत्तोलन। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11, बीजिंग ओलंपिक में सबसे अधिक पदक जीते थे? बीजिंग ओलंपिक में सबसे अधिक पदक जीते थे? ऑप्शन ए चीन ने, ऑप्शन बी यूएसए ने, ऑप्शन सी जर्मनी ने, ऑप्शन डी ब्रिटेन ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चीन ने। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12, लिम्बा राम का नाम किस खेल से जुड़ा है? लिम्बा राम का नाम किस खेल से जुड़ा है? ऑप्शन ए लंबी दौड़, ऑप्शन बी निशानेबाजी, ऑप्शन सी धनुर्विद्या, ऑप्शन डी घुड़सवारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी धनुर्विद्या। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।